अंग्रेजी सारी मेहनत के बावजूद नहीं आ रही। सारी किताबें पढ़ ली, सारे रट्टे लगा लिए, सारे फार्मूले, सारे तुक्के लगा लिए, अंग्रेजी के ऊपर ग्रिप नहीं हो रही, कमांड नहीं हो रही। ये सवाल है हर दूसरे स्टूडेंट का, हर रोज़ मुझे ये सुनने को मिलता है। आज इसके ऊपर मैं बात करूँ, तफसील से गाइड करूँ। अगर आप वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल को भी ऑन कर लीजिए। मेरा नाम है अकमल अंग्रेजी वाला। अंग्रेजी जो है इसलिए नहीं आती कि हमने अंग्रेजी के लिए सही तरतीब इस्तेमाल नहीं की। इसमें यह फ़र्क नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं है या आप कुंद जहन है इसलिए आपको अंग्रेजी नहीं आती, किसी और को आती है आपको नहीं आती, वो इंटेलिजेंट है और आप इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसा फ़र्क नहीं है। कभी आपने कोई ऐसा शख्स देखा है जिसको जो कुंद जहन हो लेकिन उसकी उर्दू ख़राब हो, या कोई बंदा बहुत इंटेलिजेंट है और उसकी उर्दू बहुत तेज़ है? सबकी उर्दू एक जैसी होती है। जो जिस ज़ुबान में पैदा हुए हैं और वो उसकी नेटिव ज़ुबान है तो नेटिव ज़ुबान एक जैसी होती है, उसमें डल और इंटेलिजेंट का फ़र्क नहीं होता। तो अंग्रेज़ी में ऐसा क्यों फ़र्क है? अंग्रेज़ी में ऐसा फ़र्क इसलिए है कि अंग्रेज़ी के लिए हमने फार्मूला गलत लगाया है, तरतीब गलत लगाई है। जो ज़रा इंटेलिजेंट है उसने तुक्के छुके लगा कर, रटे रुटे लगा के पास कर लिया, अंग्रेज आती उसे भी कोई नहीं। ये मैं बता सकता हूँ, दाई से क्या छुपाना, मेरा ये काम है, मेरा ये अंग्रेज़ी पढ़ना पढ़ाना ये मेरा काम है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी अंग्रेज़ी ठीक हो जाए बग़ैर एफर्ट के, आपको इतनी परेशानी ना हो, तो आप अंग्रेज़ी को एज ए मज़मून नहीं एज ए ज़ुबान सीखें। मज़मून के तौर पर क्या है, आप रीडिंग से शुरू करते हैं और राइटिंग पर ख़त्म करते हैं, यही वजह है कि हमें अंग्रेज़ी के ऊपर ग्रिप नहीं हो पा रही। अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे उर्दू आपके लिए कॉन्फिडेंट हैं, आप फ्लुएंट हैं बग़ैर किसी झिझक के, कभी बोलते वक्त आपको लिमिटेशन नहीं होती कि मेरे पास वोकैबुलरी नहीं है, प्रॉपर वर्ड्स नहीं है, तो अंग्रेज़ी भी ऐसे ही हो जाएगी अगर आप पहले सुने फिर पढ़ें, फिर पहले सुने फिर बोलें फिर पढ़ें फिर लिखें। तो पहले स्पोकन इंग्लिश करें फिर ABC सीखें। आप चाहे जितनी ABC, जितने स्पेलिंग, जितना कुछ कर लें, जब तक आपको सुनना नहीं आएगी तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आई वॉन्ट यू कि आप पहले स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करें फिर आप रीडिंग और राइटिंग करें। ऑनलाइन बहुत सारे कॉन्टेंट्स अवेलेबल हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं, मैं भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहा हूँ, लाइव भी पढ़ा रहा हूँ, वीडियोस भी पढ़ा रहा हूँ। अगर आप चाहें कि मैं आपको सिखाऊँ तो यू आप रब्ता करें, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू।